हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं, हमारे अभी रात रानी के फ्लावर्स अभी सब खिले हुए हैं, बंद नहीं हुए, क्योंकि अभी जैसे ही फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी क्लाइमेट था, अभी अभी फ्रेंड्स सनलाइट बाहर निकली है, और जैसे ही अंधेरा होता है फ्रेंड्स, ये प्लांट अपने सारे फ्लावर्स ओपन कर लेता है, और जैसे ही सनलाइट आती है ये अपने सारे फ्लावर्स धीरे धीरे करके बंद करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी जैसे कि इसके फ्लावर्स सारे ओपन थे, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर कर लूँ। और बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड्स अभी ये प्लांट मेरा फ्लावरिंग पे आ रहा है, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे डबल ट्रिपल फ्रेंड्स ये प्लांट मुझे फ्लावरिंग दे रहा है। तो ये प्लांट एट प्रेजेंट फ्रेंड्स मेरे गार्डन में बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है, एकदम ही बुशी लुक दे रहा है। जैसे कि प्लांट का लुक देखिए, बहुत ही सुंदर लुक ये प्लांट मुझे दे रहा है अभी। और मैं अपने दूसरे प्लांट्स आपके साथ अपडेट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो दूसरे प्लांट्स अपडेट करने में हमारे अभी अलमंडा है, एक ये अलमंडा है फ्रेंड्स जो मेरे यहाँ अभी बहुत ही अच्छी ब्लूम कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं बहुत सारे फ्लावरिंग बर्ड्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी फ्लावर अभी खिल रहा है। अभी अभी फ्रेंड्स मैंने सारे प्लांट्स के ऊपर NPK का स्प्रे किया है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जो हमारा लिक्विड NPK जिसे हमें स्प्रे करना है मानसून की सीज़न में, तो वो NPK का स्प्रे मेरे सारे प्लांट्स के ऊपर कर दिया है। जैसे कि देख रहे हो बहुत ही अच्छी ब्लूम दे रहा है अभी ये मुझे अलमंडा, जबकि मेरा दूसरा अलमंडा का प्लांट है फ्रेंड्स वो अभी ठीक तरीके से ब्लूम नहीं कर रहा, और थोड़ा सा अभी डोरमेंसी पोजीशन में जा रहा हो ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने सारे रोजेस के ऊपर भी आज मैंने अपने NPK का स्प्रे किया है, और रोजेस के ऊपर फ्लावर्स देखिए बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हो रहे हैं अभी। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स अभी इसके ऊपर जनरेट हो रहे हैं। तो ये मेरे फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स जो अभी मैंने आपके साथ अपडेट किए हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक ये है फ्रेंड्स कि हम ये मानसून की सीज़न में कौन कौन सी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। अब जो जो प्लांट्स मेरे पास है वो सारे प्लांट्स का अपडेट मैं आपको दूंगा कि वो कौन से प्लांट्स हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, मानसून की सीज़न में सबसे बेस्ट कटिंग ग्रो होती है वो है हमारे हाइबिस्कस की। हाइबिस्कस की अगर आप 8 से 10 कटिंग लगा भी देंगे फ्रेंड्स, तो ये प्लांट आराम से आपको रिजल्ट दे देगा। एक दो कटिंग तो आपकी आराम से निकल जाएगी। जैसे कि देख रहे हैं मैंने हाइबिस्कस की बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई थी, उसमें से बहुत सारी कटिंग्स मेरी फेल भी हो गई है और कुछ कटिंग्स मेरी सक्सेसफुल ग्रो भी हो रही है। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये कटिंग मेरी बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल ग्रो हो रही है, ये वाली कटिंग मेरी अच्छी ग्रो हो रही है। तो कुछ कटिंग्स फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी ग्रो हो जाती है और कुछ कटिंग्स हमारी फेल हो जाती है, या तो उसको होने में टाइम लगता है। तो आपको वेट करना है, 20-25 दिन आप वेट करिए फ्रेंड्स, मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट रखिए और ये कटिंग्स आपको अच्छा रिजल्ट दे देगी। अब फ्रेंड्स आपकी रात रानी की कटिंग भी फ्रेंड्स आप आराम से ये मानसून की सीज़न में ग्रो कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि कटिंग फ्रेंड्स एकदम ही ग्रीन कटिंग नहीं लेनी है। जैसे कि ये जो ग्रीन ब्रांच है, ऐसी हमें ग्रीन ब्रांच नहीं लेनी है, हमें थोड़ी सी वुडी ब्रांच लेनी है। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये थोड़ी सी ग्रीनिश भी है और थोड़ी सी वुडी भी है, तो ऐसी हमें ब्रांच लेनी है। तो ऐसी ब्रांच आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा दे सकती है। तो हमारे रात रानी के प्लांट भी ये मानसून की सीज़न में आप इसकी कटिंग्स ग्रो कर सकते हो। अब फ्रेंड्स टिकोमा की बात कर लेता हूँ। वैसे टिकोमा एक गर्मियों की सीज़न का पौधा है, लेकिन इसकी कटिंग्स आप मानसून से लेके जनवरी के महीने तक कर सकते हैं, यानी कि इसका पीरियड बहुत ही लंबा होता है। अगर आप अभी भी इसकी कटिंग लगा देंगे तो भी ये प्लांट आराम से निकल जाएगा। अगर आप इसकी कटिंग जनवरी फरवरी के महीने में भी लगाएंगे तो भी ये प्लांट आराम से आपको रिजल्ट दे देगा, और बहुत ही ईजी गोइंग कटिंग इसकी होती है फ्रेंड्स। अगर आप इसकी कटिंग एक बार लगा देंगे तो आपको 70% रिजल्ट आराम से मिल जाएगा। अब इसके अंदर भी फ्रेंड्स सेम टेक्निक है, यानी कि हमें थोड़ी सी वुडी कटिंग लेनी है, हमें ज़्यादा ग्रीन कटिंग यानी कि इतनी कच्ची कटिंग हमें नहीं लेनी है। थोड़ी सी इसकी ब्रांच थोड़ी सी मीडियम मोटी रहनी चाहिए और कटिंग थोड़ी हार्ड रहनी चाहिए। वो कटिंग आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर लेगी। अब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं फ्रेंड्स कि क्या हम लेंटेना की कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई है फ्रेंड्स। अभी बटरफ्लाई का फ्रेंड्स मेरे गार्डन में आना जाना बहुत ही ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है तो बटरफ्लाइज़ बीज वगैरह गार्डन में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और अभी फ्रेंड्स खास करके बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही है, इसलिए शायद बटरफ्लाइज़ की क्वांटिटी अभी मेरे गार्डन में थोड़ी कम है। नहीं तो विंटर्स में अगर आप देखेंगे तो विंटर्स में बहुत सारे बटरफ्लाइज़ मेरे गार्डन में घूमते हैं और साथ में प्रॉब्लम्स भी देते हैं,
प्रॉब्लम्स में ये हो जाती है फ्रेंड्स कि बटरफ्लाइज कैटरपिलर्स यानी कि जो अपने बच्चे होते हैं वो हमारे लीव्स के ऊपर छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वो बच्चे हमारे लीव्स को खाते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे लीव्स ख़राब हो जाते हैं। बाकी कोई दूसरा प्रॉब्लम देते नहीं है ये बटरफ्लाई के बच्चे यानी कि कैटरपिलर्स, तो वो दूसरे प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं देता, बस ये लीव्स खाते रहते हैं। जैसे ही वो बड़े हो जाएंगे वो बाद में बटरफ्लाई बन के उड़ जाएंगे, तो इतनी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम अपने वीडियो पर आ जाते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने लैंटेना की कटिंग्स ये सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, तो हाँ फ्रेंड्स आप लैंटेना की कटिंग्स ये सीज़न में ग्रो कर सकते हैं और लैंटेना भी फ्रेंड्स इजीली ग्रो होगा, लेकिन अगर आप इसको कटिंग से ग्रो करने जाएंगे तो बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है फ्रेंड्स ये, तो आपको थोड़ी सी सब्र रखने की ज़रूरत होगी। मे बी 15 दिन हो जाए या तो 20 दिन हो जाए, बहुत ही धीरे 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 करके फ्रेंड्स ये प्लांट इसकी कटिंग्स ग्रो होगी। और दूसरी बात, इसकी कटिंग्स को ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स आप 50% सैंड और 50% सॉइल लीजिए, गार्डन सॉइल, और दूसरों कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सॉइल के अंदर आप इसकी कटिंग को ग्रो कीजिए, ये कटिंग आराम से ग्रो हो जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स ये जो मेरे हाइबिस्कस और मैंने रात रानी की भी बात की है उसके अंदर भी फ्रेंड्स आप सॉइल मीडियम को वही रखिए, सैंड और गार्डन सॉइल। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा 10% जितना कॉम्पोस्ट मिक्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कॉम्पोस्ट मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे लैंटेना की कटिंग्स हम ग्रो कर सकते हैं। और मेरे एक व्यूअर ने बताया था फ्रेंड्स क्या हम देखिए फ्रेंड्स ये एक बी है, बहुत ही बड़ा सा बी है। तो ऐसे बीज फ्रेंड्स मेरे गार्डन में अभी घूमना अभी स्टार्ट कर लिया है। बीच में फ्रेंड्स बारिशों की सीज़न की वजह से ये सारे बीज गायब हो चुके थे। तो मैं आपको मेरे एक व्यूअर्स की एक कॉमेंट आई थी फ्रेंड्स कि क्या हम टेक्सास रेंजर के प्लांट आप मुझे दिखा सकते हैं, तो ये मेरे टेक्सास रेंजर का प्लांट है फ्रेंड्स। ये मैंने लास्ट ईयर बारिशों की सीज़न में ही ग्रो किया था और मैं इसको रेगुलरली प्रून करता रहता हूँ फ्रेंड्स। ये प्लांट बहुत ही जल्दी लंबा हो जाता है, तो मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, मैं इसको बुशी बनाना चाहता हूँ। तो इसको बुशी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, ये धीरे धीरे करके बुशी बनता है। इसकी जो ब्रांचेस रहती है फ्रेंड्स ये सीधी लंबी होती जाती है और ये एक ऐसा पौधा है जो आराम से कटिंग से ग्रो हो सकता है ये मॉनसून की सीज़न में। अब ये जो इसके लिए इसके अंदर भी फ्रेंड्स हमें वुडी कटिंग लेनी है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स घबरा रहे होंगे कि ये बी मुझे काट लेगा, लेकिन मुझे इसकी आदत हो गई है, मुझे आदत हो गई है इनकी, ये मुझे नहीं काटेंगे, मुझे पता है ये कब काटने वाले होंगे, लेकिन उस पर टेंशन मत लीजिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमें थोड़ी सी वुडी कटिंग लेनी है, इसके अंदर भी फ्रेंड्स हमें इतनी सॉफ्ट कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी वुडी कटिंग लीजिए और ये कटिंग भी फ्रेंड्स आपको रिजल्ट आराम से दे देगी। और सबसे इजी गोइंग कटिंग्स यानी कि हमारे बोगनवेली की कटिंग, ये बोगनवेली की कटिंग आराम से ये सीज़न में ग्रो हो जाएगी। अगर आप बोगनवेली की एक थोड़ी वुडी कटिंग लेंगे कुछ ये हिसाब से, तो ये कटिंग्स आराम से ग्रो हो जाएगी। लेकिन हमें ध्यान इतना ही देना है, जब भी आप इतनी भी कटिंग्स ग्रो करते हो तो अगर आपने कंटिन्यूस बारिशों की सीज़न में यानी कि कंटिन्यूस बारिशों का पानी कटिंग्स की सॉइल के अंदर जाता रहता हो, तो आप इतना ध्यान दीजिए कि सॉइल ज़्यादा सॉगी ना हो जाए। अगर जितनी ज़्यादा सॉगी होगी तो बाद में आपकी कटिंग्स सब गल जाएगी, यानी कि बारिशें आए बारिशों का पानी अंदर जाएगा, बाद में पूरा ड्रेन हो जाना चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने 50% सैंड और 50% सॉइल का रेशियो आपको बताया है। ऐसी सॉइल के अंदर फ्रेंड्स प्लांट की यानी कि सॉइल के अंदर बिल्कुल भी पानी रुकेगा नहीं और आपका प्लांट आराम से ओवर वाटरिंग की वजह से मरेगा भी नहीं। तो हम बोगनवेली की भी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ईजी गोइंग कटिंग्स है। और बाकी हमारे ये जो टगर के पौधे हैं फ्रेंड्स उसकी भी कटिंग्स हम लगा सकते हैं। और इक्सोरा फ्रेंड्स इक्सोरा की भी कटिंग्स हम ये सीज़न में लगा सकते हैं आराम से, ये मॉनसून की सीज़न में ये कटिंग्स लग जाएगी। ये हमारा शूटिंग स्टार का प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी भी कटिंग्स आराम से लग जाएगी। मतलब कंडीशन एक ही होती है फ्रेंड्स कि हमें थोड़ी सी हल्की सी वुडी ब्रांच लेनी है। अब फ्रेंड्स मैं थोड़े इंडोर प्लांट्स की बात कर लेता हूँ कि इंडोर प्लांट्स में हमें कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिसकी कटिंग्स हम आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे मनी प्लांट की कटिंग्स आप 12 महीने कभी भी ग्रो कर सकते हैं, आराम से ये निकल जाती है। और ड्रेसिना का पौधा, जैसे कि ये देख रहे हैं ये मेरा ड्रेसिना का पौधा है, तो मेरे एक व्यूअर की कंप्लेंट आई थी कि ड्रेसिना के पौधे के लीव्स ग्रीन हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ड्रेसिना और जितने भी ये इंडोर पौधे हैं क्रोटॉन्स वगैरह, उनको सनलाइट की ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती। अगर आप इनडायरेक्ट सनलाइट की ब्राइटनेस ये प्लांट को देंगे तो बाद में इसके लीव्स के कलर्स बहुत ही अच्छे आएंगे। तो मैं इसकी कटिंग्स ही बात कर लेता हूँ कि ये प्लांट को हमें कैसे कटिंग से ग्रो करना है। तो हमें फ्रेंड्स इसकी कटिंग्स नीचे से लेनी है, कुछ ये एरिया से, ये जो थिक एरिया है वहाँ से इसको हमें कट करना है।
लीव्स सारे रिमूव कर लेने हैं और सैंड और सॉइल के मिक्सचर में हमें इसकी कटिंग्स को डाल देना है। ज़्यादा वाटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आप ये सैंड और सॉइल के मिक्सचर में डाल दीजिए, हल्की सी इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखिए। ये कटिंग्स आपको 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर लेगी। तो ये ड्रेसिना का एक पौधा है। बाद में सेम तरीके से फ्रेंड्स हमें अपने एग्लोनीमिया की कटिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एग्लोनीमिया की कटिंग्स ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स हमें इसको बहुत ही नीचे से कट करना होगा, यानी कि ये जो इसकी ये वाला जो एरिया है फ्रेंड्स, देखिए ये वाला जो एरिया है, जो थिक एरिया है, वहाँ से हमें इसको कट करना होगा और बाद में इसकी कटिंग्स को हम ग्रो कर सकते हैं। और हमारे डिफेनबैकिया, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स डिफेनबैकिया के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं कुछ आपको सिंपल टिप्स बता देता हूँ। अभी डिफेनबैकिया को आप कभी डायरेक्ट सनलाइट मत दीजिए, इसको कभी भी हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं देना है, इसको सनलाइट की फुल ब्राइटनेस देनी है और इसको वाटरिंग हमें तभी करनी है जब इसकी सॉइल ड्राई हो जाए। और इसके लिए जो सॉइल मीडियम आप यूज़ करते हो फ्रेंड्स, वो सैंड सॉइल और कॉम्पोस्ट का मिक्सर रखिए, कोकोपीट वगैरह में इसको ग्रो मत करिए। ये प्लांट फ्रेंड्स सैंड में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दे देगा। फर्टिलाइज़र में भी फ्रेंड्स ओनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, काउडंग या तो वर्मी कॉम्पोस्ट, दोनों में से कोई एक ही फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। उसके सिवाय हमें एनपीके कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एनपीके डीएपी की इस ये प्लांट को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अब मैं इसकी कटिंग की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्लोनीमिया प्लांट के अंदर बताया था, हमें यहाँ से इसकी कटिंग को नहीं लेना है, इसकी कटिंग्स को फ्रेंड्स हमें यहाँ से लेना है। ये जो एरिया देख रहे हैं ये मोटा वाला, यहाँ से इसकी कटिंग को लेना है और बाद में हम सैंड और सॉइल के मिक्सचर में इसकी कटिंग्स को डाल सकते हैं। और ये कटिंग भी फ्रेंड्स आपको 10 से 15 दिन के अंतर में आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर लेगी। और ये मॉनसून की सीज़न में शायद आपको एक हफ्ते के अंदर भी ये प्लांट के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है बहुत ही ज़्यादा गीली मिट्टी इसकी नहीं रहनी चाहिए। और इंडोर में फ्रेंड्स हमारी ये जो एरेलिया है, एरेलिया की भी आराम से कटिंग्स ग्रो कर सकती है। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये कुछ ऐसी वुडी स्टेम लेनी है और हमें थोड़ी सी इसकी 6 से 7 इंच की कटिंग लेनी है, ज़्यादा लंबी कटिंग्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पौधे बताए हैं फ्रेंड्स मैंने आपको, इसकी ज़्यादा लंबी कटिंग्स नहीं लेनी है, छोटी छोटी कटिंग्स लीजिए, 6 इंच 5 इंच, और ये प्लांट आपको आराम से रिजल्ट दे देंगे। और आप ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही कॉमन प्लांट है हमारे कंट्री में, इसकी भी कटिंग्स आराम से ग्रो हो जाएगी। मतलब मैं इसको भी फ्रेंड्स थोड़ी सी वुडी कटिंग लेनी है, ज़्यादा ऊपर से हमें प्लांट को कट करके इसकी कटिंग्स नहीं ग्रो करनी है। अब मैं क्रोटॉन्स की बात कर लेता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स हमारे जितने भी ये क्रोटॉन्स हैं, कोई भी वैरायटी के क्रोटॉन्स हैं, वो भी अभी इजीली ये मॉनसून की सीज़न में आपको रिजल्ट दे देंगे। अब इसके अंदर भी फ्रेंड्स सेम टेक्निक है, हमें वुडी कटिंग लेनी है, जैसे कि ये देख रहे हैं ऐसी हमें वुडी कटिंग लेनी है और हमें सैंड और सॉइल के मिक्सचर में डाल देना है। और ये कटिंग भी आपको 10 से 12 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट दे देगी। इसको फ्रेंड्स आप जितनी भी कटिंग्स ग्रो करते हो, ये सारी कटिंग्स को हमें शेड में रखना है, आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। अगर आपके यहाँ बारिशें नहीं आती हो, बारिशें थोड़ी रुकी हुई हो, तो बाद में आप इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी मत दीजिए फ्रेंड्स। इसको आप शेड दीजिए जहाँ पे डायरेक्ट बारिशों का पानी भी नहीं आता हो, थोड़ा सा हल्का सा बारिशों का पानी आता हो, और अगर आपने ये सैंड और सॉइल का मिक्सचर भी दिया हो, तो बाद में आपकी कटिंग्स बहुत ही अच्छी ग्रो हो जाएगी और 100% रिजल्ट मिलेगा। और 100% रिजल्ट देने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, क्योंकि वो पॉइंट मेरे सारे कटिंग्स के लिए कॉमन पॉइंट है। और जैसे कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि क्या हम रोजेज़ की कटिंग्स ये मॉनसून की सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, तो रोजेज़ में फ्रेंड्स 50-50% का चांसेस रहता है जब भी आप इसकी कटिंग्स को ग्रो करते हो, खास करके ये मॉनसून की सीज़न में। मॉनसून की सीज़न में फ्रेंड्स पेस्ट फंगस बहुत ही जल्दी ज़्यादा लगता है, और रोजेज़ एक ऐसे पौधे हैं जिसके ऊपर फंगस बहुत ही जल्दी लग जाता है। और अगर आपने ऐसी कंडीशन में आपने ये प्लांट की कटिंग्स को ग्रो किया है, तो सबसे पहला खतरा यही रहेगा कि प्लांट की कटिंग के ऊपर फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन आपको ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि जब भी आप रोजेज़ को ग्रो करते हो, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है उसकी कटिंग्स को ग्रो करने के लिए। जैसे कि मॉनसून की सीज़न में क्लाइमेट बहुत ही अनइवन रहता है, यानी कि कभी कभार टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है, 38-48 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला जाता है, या तो टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है, 30-32 डिग्रीज तक का टेम्परेचर आ जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस आते हैं, कभी एकदम धूप निकल जाती है, कभी एकदम बारिशें स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे वेरिएशंस में फ्रेंड्स आपका रोजेज़ की कटिंग्स आपको रिजल्ट नहीं दे पाती, यानी कि चांसेस हमेशा 50-50 ही रहेंगे, यानी कि आप कटिंग्स इसकी लगाएंगे भी, लेकिन इसकी कटिंग्स 100% आपको मैं नहीं बोलूँगा कि इसकी कटिंग्स 100% आपको रिजल्ट दे देगी, लेकिन आप चांस ले सकते हो और ग्रो कर सकते हो। लेकिन
इंग्लिश रोज़ की कटिंग्स रिजल्ट नहीं देगी, तो उसमें आप ज़्यादा हाथ पैर मत मारिए। आपको ग्रो करना है तो फ्रेंड्स देसी रोज़ की कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं, और देसी रोज़ की कटिंग्स में भी आप इसकी कटिंग्स थोड़ी सी मोटी सी कटिंग लीजिए। इसमें तो सारी ब्रांचेस ग्रीन ही रहती है, लेकिन हमें हल्की सी मोटी सी कटिंग लेनी है। और इसके अंदर फ्रेंड्स इसकी कटिंग्स ग्रो करने के लिए जो सॉइल मीडियम हमें यूज़ करना है वो है 50% जितनी सैंड, 30% जितना गार्डन सॉइल और 20% जितनी कॉम्पोस्ट। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स आप इसकी कटिंग्स को ग्रो करिए, आपको रिजल्ट शायद मिल सकता है। इस बार मैं इसकी कटिंग्स को ग्रो करने वाला हूँ ठंडियों की सीज़न में, यानी कि नवंबर महीने में। शायद नवंबर दिसंबर के महीने में फ्रेंड्स इसकी कटिंग्स आराम से लग जाती है और इसके ऊपर आपको रिजल्ट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। फ्रेंड्स दिसंबर का जो क्लाइमेट रहता है वो हमारे रोजेज़ के लिए बहुत ही सूटेबल रहता है, इसकी कटिंग्स भी आराम से ये सीज़न में लग जाती है फ्रेंड्स, और ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशंस भी नहीं होते, ह्यूमिडिटी का लेवल भी कंट्रोल रहता है। जैसे कि मॉनसून में ह्यूमिडिटी का लेवल ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन विंटर्स में ह्यूमिडिटी का लेवल भी थोड़ा मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आपके रोजेज़ की जो कटिंग्स होंगी उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स मॉनसून की जगह पे आप अपने रोजेज़ को ठंडियों की सीज़न में ग्रो कर सकते हैं कटिंग्स के थ्रू। और दूसरे प्लांट्स की कटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसमें से कटिंग्स आ जाती है फ्रेंड्स हमारे कनेर की कटिंग्स भी आराम से लग सकती है यह मॉनसून की सीज़न में, लेकिन कंडीशन उसमें सेम ही है फ्रेंड्स कि हमें इसकी थोड़ी सी वुडी स्टेम लेनी है, और ये कटिंग भी फ्रेंड्स आपको 10 से 12 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट दे देगी। और दूसरा इजी गोइंग प्लांट है फ्रेंड्स वो है हमारे प्लूमेरिया का पौधा। मैंने प्लूमेरिया के पौधे की भी कटिंग्स ग्रो की है, तो उसका भी एक फुल अपडेट वीडियो आ जाएगा कि वो कटिंग्स मेरी सक्सेसफुल होगी कि नहीं। तो ये जो प्लूमेरिया का पौधा है फ्रेंड्स, ये पौधा भी आराम से कटिंग से ग्रो हो सकता है, और उसके लिए भी फ्रेंड्स सैंड और सॉइल का मिक्सचर रखिए और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ बेसिक प्लांट्स आपको दिखाया है जो आराम से कटिंग्स के थ्रू ये सीज़न में ग्रो हो सकते हैं। वैसे दूसरे बहुत सारे प्लांट्स हैं, अगर मैं हर एक प्लांट्स का अपडेट आपको देने जाऊंगा तो बाद में ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी मैं जो आपको टिप देने वाला हूँ वो बहुत ही बेसिक टिप है। जब भी आप अपनी कटिंग्स को ग्रो करेंगे तो इतना ध्यान रखिए, वीकली बेसिस पे आप अपनी कटिंग के ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मॉनसून में जनरली सॉइल के ऊपर फंगस लग जाता है और आपकी कटिंग्स के ऊपर भी फंगस लग सकता है। एडिनियम्स की कटिंग्स भी फ्रेंड्स ये सीज़न में मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एडिनियम्स आपको ग्रो करने हैं यानी कि जनवरी फरवरी महीने में। अगर आप इसकी कटिंग्स को ग्रो करोगे तो बाद में आपको ये समर्स तक बहुत ही अच्छी रिजल्ट आपको ये कटिंग्स दे देगी, लेकिन मॉनसून की सीज़न में अगर आप इसकी कटिंग्स को ग्रो करोगे तो बाद में इसकी कटिंग्स सारी गलने लगेगी, क्योंकि मॉनसून की सीज़न में क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर एक बार आप इसकी कटिंग्स की सॉइल के अंदर थोड़ी वाटरिंग का कंट्रोल भी करोगे तो भी इसकी कटिंग्स आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो एडिनियम्स में ज़्यादा अभी हाथ पैर मत मारिए फ्रेंड्स, आप ग्रो कर सकते हैं उसकी जगह पे ये हमारे मोगरा के प्लांट की कटिंग्स भी आराम से ये सीज़न में लग सकती है, और उसके अंदर भी फ्रेंड्स हमें ये कुछ ऐसी वुडी स्टेम लेनी है। तो आप फंगीसाइड का स्प्रे हर हफ्ते यानी कि वीकली बेसिस पे कटिंग्स के ऊपर कर लीजिए, ताकि आपकी कटिंग्स गल ना सके, आपके कटिंग्स के ऊपर फंगस ना लग सके। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स वो है वाटरिंग। अगर आप अपने कटिंग्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो भी आपकी कटिंग्स नहीं ग्रो हो पाएगी। तो मिट्टी को थोड़ा हल्का सा फ्रेंड्स थोड़ा ड्राई होने दीजिए, थोड़ा हल्का सा मिट्टी ड्राई हो जाएगी उसके बाद फिर से आप उसके अंदर वाटरिंग करिए। तो यही सब के वाटरिंग करनी है, और अगर बारिशों का पानी बहुत ही ज़्यादा जाता हो तो बाद में आप अपनी कटिंग को किसी शेड में ले लीजिए जहाँ पर डायरेक्ट बारिशों का पानी सॉइल के अंदर नहीं जाता हो। तो कुछ ऐसे पौधे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है जो आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको किसी और पौधे के बारे में जानकारी लेनी हो तो उसका कमेंट भी आप मुझे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल वीडियो थी फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो प्लांट से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।